What is going on, guys? I am back with another video. In this video, I'm going to give you the long-term depth review of the ASUS TUF Gaming Ryzen 505. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. मैं आपको इसका दो मंथ से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ. क्या ये लैपटॉप वर्थ बाइंग है? 50-60K की रेंज में आपको ये लैपटॉप ख़रीदना चाहिए, 50-60 हज़ार की रेंज में, या नहीं? क्या इसके स्पेक्स काफ़ी पावरफुल हैं? क्या ये ड्यूरेबल है लैपटॉप या नहीं? वो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और आप जान लेंगे कि आपको ये लैपटॉप ख़रीदना चाहिए कि आप इसमें हार्डकोर गेमिंग कर पाएंगे, अपने अच्छी तरह से प्रोजेक्ट्स मैनेज कर पाएंगे और अपना ऑफिस वर्क, सब कुछ स्टूडेंट वर्क कर पाएंगे या नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका प्राइस. ये मैंने लैपटॉप ख़रीदा था अमेज़ॉन की बिग बिलियन सेल जो अभी थी उस पर, जो था ऑलमोस्ट मुझे पड़ा 55,000 रुपीज़ का. और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये लैपटॉप काफ़ी पावरफुल है, स्पेक वाइज भी और कंडीशन वाइज भी. और लगा लो कि इसमें काफ़ी मतलब अच्छे कंपोनेंट्स हैं जो एक इस प्राइस रेंज को अच्छी तरह जस्टिफाई करते हैं. सबसे पहली बात की जाए इसके, मैं आपको फिज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ. इसका फिज़िकल ओवरव्यू क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं चिकलेट कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छा लगता है. इसमें RGB ऑरा सिंक लाइटिंग भी है. यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी बड़ा सा ट्रैक पैड है. यहाँ पे इसका लिखा हुआ है टफ गेमिंग, थोड़े फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं. यहाँ पे ये कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. IPS लेवल नैनो एज डिस्प्ले है. इसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है जो बहुत ही अच्छा माना जाता है. हाइपर कूल टेक्नोलॉजी है, ऑल दो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है. इस लैपटॉप में बहुत हीट करता है जब आप हैवी गेमिंग करते हैं. सर्टिफाइड टफनेस, इसको एक मिलिट्री ग्रेड का एक वो भी मिला हुआ है. इसने टेस्ट पास किए हैं. इसको 25 बार फेंका जाता है एक सर्टन हाइट से और इसने वो टेस्ट पास किए हैं तभी ही इसको वो मिलती है. और RGB कीबोर्ड है, बैकलिट कीबोर्ड, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं. देखिए आप इसको अपने आप और सिंक लाइटिंग के सॉफ्टवेयर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं. DTS हेडफोन 7.1 चैनल सराउंड साउंड है जिससे आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं यूज़ करने का इस लैपटॉप को और कोई मूवीज़ वगैरह देखने के टाइम. इसको हम ऑन कर देते हैं. जैसे कि मैं आपको बता दूं ये लैपटॉप स्टेल्थ ब्लैक कलर का है. आपको मैं दिखा देता हूं, स्टेल्थ ब्लैक कलर का है. बैक साइड पर ASUS की एम्बेडिंग हुई है सिल्वर कलर की. कुछ एक्स जैसा डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी अच्छा मिलिट्री लुक इसको प्रोवाइड किया गया है. और सबसे पहले पोर्ट्स की बात कर दूं, एक आता है आपको लैन पोर्ट दिया गया है इस लैपटॉप में. मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूं. एक चार्जिंग के लिए स्लॉट दिया गया है जहाँ पे आप अपना चार्जर प्लग इन करके 150 वॉट्स का इसका चार्जर आता है. ASUS का ये स्टैंडर्ड चार्जर आता है 150 वॉट का. सबसे पहले इसमें चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, लैन पोर्ट दिया गया है, HDMI पोर्ट दिया गया है, 1 USB 2.0 का पोर्ट आपको प्रोवाइड किया गया है और 2 USB 3.0 के पोर्ट और हेडफोन जैक. और इसके अलावा हमें और कोई पोर्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं. इस साइड की बात कर दूं, एक किंगस्टन लॉक दिया गया है जो बिल्कुल काम में नहीं आता है. इसकी आपको मैं बात कर दूं, ये इधर वेंट्स दिए गए हैं जो एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं जब हीट हो जाए आपका लैपटॉप तब. और पीछे से आपको मैं दिखा दूं कि पीछे से ये लैपटॉप कैसा दिखता है. ये कुछ ऐसा दिखता है. ये पीछे काफ़ी बड़े वेंट्स दिए गए हैं एयर फ्लो को बाहर निकालने के लिए, बट उसके होने के बावजूद भी लैपटॉप काफ़ी हीट करता है जब आप हैवी गेमिंग वगैरह करते हैं. कुछ रेड कलर का अंदर ऐसे टेक्सचर सा प्रोवाइड किया है. पीछे से आपको बता दूं, नॉन रिमूवेबल इसमें बैटरी पड़ती है जो ऑलमोस्ट मुझे लास्ट कर जाती है 3 आवर्स, कभी कभी 2.5 आवर्स भी जब मैं हैवी यूजेज कर रहा होता हूँ. आपको मैं इसके स्पेक्स के बारे में बता दूं तो इसमें जो स्पेक्स आते हैं वो आते हैं राइजन 5 का. इसका प्रोसेसर है AMD राइजन 5 3550H. इस मॉडल नंबर है इसका ASUS TUF
FX505DT, स्क्रीन साइज है इसका 15.6 इंचेस जो आता है, व्यूइंग एंगल 170 डिग्रीज तक ये बेंड हो जाता है। और बाकी बात की जाए, स्टेल्थ ब्लैक कलर में है, विंडोज 10 इसमें आपको प्रीली इंस्टॉल्ड मिल जाती है, DDR4 8 GB की रैम वाला वेरिएंट है ये, 256 GB की इसमें SSD भी है और 1 TB का इसमें इंटरनल हार्ड ड्राइव भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड होती है, 120 MHz की इसकी रिफ्रेश रेट है। और स्क्रीन वगैरह की बात की जाए तो 15.6 इंचेस LED बैकलिट FHD 1920x1080 पिक्सल्स के साथ ही आता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। स्मॉल काफ़ी बेजल्स हैं इसके, जैसे आप देख सकते हैं। एक वेबकैम हमें प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि बात की जाए तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, IPS पैनल जो हमें प्रोवाइड होता है। 1 ईयर की इसकी स्टैंडर्ड वारंटी है, जो कि 2-3 साल की होनी चाहिए थी एज़ पर मी। और चलो मेरे उससे क्या होता है, और मैं आपको बता दूं इसमें GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड है, GeForce का 4 GB का, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है। और एक और दोस्तों चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपको जब फास्ट ट्रांसफ़र वगैरह, जैसे कोई मूवीज़ वगैरह ट्रांसफ़र करनी है हार्ड डिस्क से कुछ उसमें, जैसे पर आप नॉर्मल हार्ड डिस्क में, अगर आप अपनी हार्ड डिस्क में करेंगे तो आपको स्पीड इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। कोई आपको जैसे अपने वर्क वगैरह करने हैं, आप उसको SSD वाली में ही स्टोर करें, तब आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। जब आपको कोई गेम चलानी है इसमें, तो आप उस गेम को SSD वाले ही उसमें कीजिए, C में, तो आपको काफ़ी अच्छी गेम की भी परफॉर्मेंस मिलेगी। जो इसके ट्रैक पैड की हम बात करते हैं, जो इसका ट्रैक पैड है वो इतना, मतलब लगा लो अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है, बट इतना अच्छा नहीं है जैसे जो एज़ कम्पेयर टू बाकी इस प्राइस रेंज में लैपटॉप्स आते हैं। बस इसका यही एक कॉन मुझे लगा, और एक बैटरी बैकअप जो इस लैपटॉप का कॉन हो सकता है। बाकी ओवरऑल तो काफ़ी पावरफुल और टफ़ लैपटॉप है, बिल्कुल सही नाम दिया गया है, टफ़ जैसे कि इसका नाम है। इसमें एक DTS सराउंड साउंड का भी आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है, बट साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूं, नॉर्मल है इसका स्पीकर, बट अगर आपको मूवीज़ एंड ऑल देखनी है तो आप मूवीज़ जब आपको देखनी है, आप ज़रूर एक सॉफ्टवेयर आता है KM प्लेयर, उसको डाउनलोड करके मूवीज़ चलाएं, आपका साउंड काफ़ी बहुत हद तक बेटर हो जाएगा। मैं आपको सॉन्ग इसकी वो वॉइस बता देता हूँ कितनी है, कैसी है क्वालिटी। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी बट अच्छी। बेस वगैरह भी कम है जैसे आप सुन सकते हैं, नॉर्मल है, बट मैं सेटिस्फाइड था, ठीक था, एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था बट ओके था। तो दोस्तों ये था इसके स्पीकर की वॉल्यूम जो मैंने आपको चेक कराई है। अब कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। 1.8 mm का इसका की ट्रैवल है, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये इसका स्पेस बार भी काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। लुक वाइज तो लैपटॉप को 10/10 देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। साइड पे न्यूमरिक कीज़ दी हुई हैं आपको आराम से नंबर शंबर कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि RGB लाइटिंग के साथ आता है, जो एक ऑरा सिंक सॉफ्टवेयर में आप जाके इनको अपने हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है, मैंने गोल्ड कलर की इसको फिनिशिंग दी है अपने वॉलपेपर के साथ मैच करने के लिए। मैं आपको दिखा दूं ये जो
काफ़ी अच्छा मेरे को ये लैपटॉप लुक वाइज लगा। बाकी आपको मैंने बता दिया कि AMD का प्रोसेसर है, i5 से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस है इसकी। मैं आपको ये भी बता दूं, गेमिंग भी काफ़ी हद तक हाई एंड गेम्स भी इसमें चल जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी ही चल जाती हैं, हद तक की बात नहीं है। ऑलमोस्ट इसमें मैंने हर एक गेम ट्राई करके देखी है और वो अच्छी तरह से चलती है। बेजल्स भी इसके काफ़ी कम हैं, जो कि काफ़ी अच्छे इसका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। चार्जिंग की बात की जाए तो 3 आवर्स, 2.5 आवर्स मैक्सिमम आप यूज़ कर रहे हैं तो ये चलता है, बेटर है, इट्स नॉर्मल। साउंड क्वालिटी की बात की जाए थोड़ी बढ़िया हो सकती थी, बट सेटिस्फाइड हूँ मैं। जो लोग ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखते हैं वो ये वाला सॉफ्टवेयर KM प्लेयर का, जो आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ KM प्लेयर का, आप अगर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें तो आप आराम से इसमें अच्छे साउंड सब अच्छी क्वालिटी के साथ चला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लैपटॉप वर्थ बाइंग ज़रूर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे अभी भी ये मिल रहा है, पर प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। मैं फिर भी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अमेज़ॉन का, आप चेक कर लेना। और इसकी और बात की जाए तो DDR4 रैम के साथ आता है ये, जो कि DDR5 अब मार्केट में आ चुका है, बट इस प्राइस पॉइंट में DDR4 भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। हाइपर कूल्ड एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है, कि जैसे कि आपका अंदर जो डस्ट होती है वो सब इसके जो फ़ैन के वेंट्स के थ्रू निकल जाती है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे कि अंदर डस्ट इकट्ठी नहीं होती और किसी पार्ट किसी हार्डवेयर को ख़राब नहीं करती है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो RGB लाइटिंग दी गई है उसमें आपके पास 20 मिलियन की प्रेसेस के साथ आपको ये मिलता है, जिसमें कि आपका काफ़ी अच्छी तरीके से पर्सनलाइजेशन काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इस RGB लाइटिंग के दौरान लैपटॉप की लुक ही एकदम चेंज हो जाती है, काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, मैं इसको ऑलमोस्ट 1.52 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। वीडियो एडिटिंग से लेके गेम से लेके मूवी एक्सपीरियंस में काफ़ी बढ़िया और अच्छा किस्म का लैपटॉप है, आप ज़रूर इसको देख सकते हैं। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, प्रोसेसर स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी, 3.7 GHz की इसकी प्रोसेसर स्पीड है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बाकी व्यूइंग एंगल इसका 170 डिग्रीज तक है, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बल्की है लैपटॉप, 2.20 kg का ये लैपटॉप है, बट गेमिंग लैपटॉप बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी लाइट वेट है, और मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला इसको यूज़ करते हुए। आप दोस्तों इसको चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये था इस राइजन टफ 5FX505DT का लॉन्ग टर्म रिव्यू, कि आपको ये लैपटॉप ख़रीदना चाहिए तो नहीं या नहीं ख़रीदना चाहिए। मेरी तरफ़ से आपको एक बहुत बड़ा थम्स अप है, आप जाके चेक कर सकते हैं इस लैपटॉप को, वर्थ बाय है इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, पीस आउट।